बिहार शरीफ में धारा 144 लगने के बाद तीसरी रात शांतिपूर्ण से गुजरी और शांति के बाद अब जिंदगी भी सामान्य होने लगी है। पुलिस बल की तैनाती है लेकिन कल वाली स्थिति नहीं है। डीजीपी आरएस भट्टी ने मोर्चा संभाला और आपको बता दें कि धारा 144 आज शाम तक लागू रहेगी। इंटरनेट बंद रहेगा। जिला प्रशासन आज के बाद आगे फैसला लेगा। बिहार शरीफ में रात अच्छी बीती है, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई है, ना कोई सूचना आई है। ऐसे में सुबह के हालात क्या हैं, किस तरीके से हैं, हम वो दिखा रहे हैं। लहरी थाना की पास की यह तस्वीर है। इसी थाने के चंद कदम दूर हिंसा भड़की थी, दो गुटों में मारपीट हुए थे और अभी क्या स्थिति है वो समझ सकते हैं। अनाउंसमेंट हमारे पीछे देख रहे हैं, किस तरीके से लगातार जारी है कि बिहार शरीफ शहरी क्षेत्र में धारा 144 लागू है, अफवाह पर ध्यान ना दें। देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से हैं। थोड़े से जिंदगी है वो नॉर्मल हो रही है, कहीं ना कहीं जो तनाव था वो घट रहे हैं, कम रहे हैं। डीजीपी खुद रात में शहर के विभिन्न इलाकों में घूम घूम करके मुआयना किया है, स्पॉट्स को देखा है, एसपी साथ में थे, डीएम रात भर कह लीजिए कि फ्लैग मार्च करते रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जा सकता है कि अब बिहार शरीफ में जिंदगी है थोड़े पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी धारा 144 यहां पर लागू है। आज शाम तक यह व्यवस्था लागू रहेगी, सोशल साइट्स बंद रहेंगे, इंटरनेट बंद है, लेकिन जिंदगी है जो थोड़ी सी ज़रूर आसान होती दिख रही है। जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर पुलिस बल की ज़्यादा मौजूदगी दिखाई जा रही है, वहीं जो क्षेत्र हिंसा से दूर रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी ढील भी दिख रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ नवजीत जी, मीडिया बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में हिंसा के बाद दंगा के आज तीसरा दिन है। धारा 144 लगाए हुए तीन दिन हो गए, तीसरा दिन की सुबह मैं दिखाता हूँ क्या तस्वीरें हैं। पुलिस की गश्तियाँ तो देखी जा सकती है, साथ साथ आज सुबह है, थोड़ा सा दिन है वो नॉर्मल सा दिख रहा है, क्योंकि रात में किसी भी तरह का कोई हिंसा नहीं हुई है। ऐसे में आम जो लोग हैं वो सड़क पर निकले हैं, क्योंकि 144 धारा जो लगी है तीसरा दिन है, ऐसे में सारे दुकानें बंद हैं, बाज़ार बंद हैं। इस तरीके से ज़िंदगी चल रही है, सब्जी लौकी लेकर आ रहे हैं, बाज़ार बंद हुए तीन दिन हो चुके हैं। कितनी समस्या है सामने? बहुत परेशानी है सर। परेशानी है? सब्जी कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ऐसा ही बेच रहा है, फुट पर एकागो टपट हुई। क्या लगता है कि अब शहर ठीक है, शांति है, तो धारा 144 आज तक शाम तक है, कहाँ शांति बुझा रहा सर? नहीं दिखा रहा है तो अभी और ज़रूरत है इसकी? ज़रूरत तो है सर, ऐसा माहौल ख़राब है। माहौल ख़राब है। सब्जी लेके आ रहे हैं भैया, कहाँ से ले रहे हैं, क्या हालत है बगल से? शहर का क्या हालत? ख़राब है, हालात बहुत ख़राब है। सब्जी जो है बहुत कम बिक रहा है, एकदम बहुत कम है, सब्जी ही नहीं आ रहा है। सब्जी नहीं आ रहा? नहीं, सब्जी बहुत कम आ रहा है, नहीं कभी आ रहा है। बेचने वाला भी एक दो गो है। आप कहाँ से कहाँ तक गए सब्जी लाने? हम तो यहाँ से रामचंद्रपुर गए हैं, अगर रामचंद्रपुर ठेला एगो लगा था वहाँ से लेके आ रहे हैं। ठेला से लेके आ रहे हैं, सब्जी वगैरह खरीद के ले आ रहे हैं। सर, शहर का कैसा हालात है? ठीक है, सब्जी लेने दूर जाना पड़ गया जी। लगता है दुकान दौरी वगैरह क्या खोलने की जरूरत? खोलने की जरूरत तो यही है, कितना आदमी गरीब आदमी मर रहा है, रोज कमाने खाने वाले। हाँ, लेकिन शहर में तो तनाव है, कहा जा रहा है कि हिंसा हुई है। ऐसे में लगता है कि पुलिस को और अलर्ट रहने की जरूरत है। हाँ, क्या सर, कैसा है शहर का माहौल, तनाव कैसा है? ठीक है, ठीक है। सायरन की गाड़ी है, हाँ ठीक है, भगा रहा है, हाँ ठीक है। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो सड़क पर हैं, चूँकि सुबह का वक्त है, सब्जी लानी है, दूध लाना है, रोज़ का जो सामान होता है वो लाना है। ऐसे में सुबह में लोग सामान खरीदने को लेकर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, इस तरह के जो पुलिस की गाड़ी है वो भी सायरन बजाते हुए सुरक्षा देती हुई दिखाई दे रही है। उधर देखिए तस्वीरें किस तरीके से पुलिस बल हैं वो घूम रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि शहर है वो धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है। हालांकि आज शाम तक सारी सुविधाएं बंद रखी गई है। धारा 144 शहर में लागू है
आपको मैं बता दूं इंटरनेट सेवा बाधित है, रोक रखा गया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ नवजीत, जी मीडिया, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में धारा 144 लागू है पिछले 3 दिनों से, आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन की सुबह है। किस तरीके से जिंदगियां बदल रही है, सामान्य हो रही है, वो तस्वीर देख सकते हैं। दरअसल यह रामचंद्रपुर का इलाका है, रामचंद्रपुर है वो हिंसा से थोड़ा दूर रहा था, यहाँ से जो हिंसा वाले जगह रहे हैं वो काफ़ी दूर हैं, अच्छे दूर हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से आज तीसरा दिन की जो सुबह है वो दिखा रहे हैं। रोज कमाने खाने वाले लोग अब ठेला लगाने लगे हैं। किस तरीके से ज़िंदगी चल रही है भैया? ज़िंदगी सर अभी मंदा मंदी चल रहा है सर, मान लिया जाए अथी में, मान लिया जाए अभी लॉकडाउन में अथी लग रहा है। लॉकडाउन है ये, मान लिया जाए अथी हाल, मान लेके लॉकडाउन है। आज आज पहली बार निकाले हैं। और लोगों से ही बात कर लेते हैं सर, आज तीसरा दिन है 144 धारा का, रात में हिंसा वगैरह नहीं हुई है, तो ये तो अच्छी बात है कि चलिए हिंसा नहीं हुआ। ऐसे में लगता है कि अब हालात यहाँ पे बदल रहे हैं। हाँ जी, हालात बदल रहे हैं, सामान्य जीवन लगता है। सब्जी वगैरह लेने के लिए? हाँ, सब्जी वगैरह, चूँकि दोपहर के बाद सब्जी बंद हो जाती है, इसलिए सुबह में ही दैनिक जो सामान होता है वो खरीदा जाता है। जो बस स्टैंड देख रहे हैं गाड़ी वगैरह आ रही है, तो आज आई है या फिर इसके पहले भी इस तरह गाड़ी चल रही थी? कल भी चल रही थी लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा नॉर्मल चल रही है। क्या भैया दूध लेकर निकल रहे हैं? दूध के लिए जा रहे हैं लाने के लिए, फिर तो पता नहीं, दिन में बंद रहती है ज़्यादातर, अभी तो पुलिस लोग अच्छे ध्यान दिए हुए हैं। शांतिपूर्ण में माहौल है, शांतिपूर्ण है काफ़ी। आज हम भी देख रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं। हाँ, शांतिपूर्ण माहौल है यहाँ पर, शांतिपूर्ण माहौल है। कहाँ से आ रहे हो तुम? हम तो यहीं रहते हैं सर, बिहार शरीफ ही। तो बैग वगैरह लेके घूम? आप तो घर निकल रहे हैं सर कुछ देर के लिए, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट सब कुछ बंद हो चुका है। यदि स्टार्टिंग से देखा जाए तो प्रशासन क्या है सर, प्रशासन स्टार्टिंग व्यवस्था में है था ही नहीं बताया जाता है, लेकिन दंगा फसाद होने के कारण कुछ दिन के बाद क्या हुआ, एक दिन के बाद फिर प्रशासन को बढ़ाया गया। यदि स्टार्टिंग से ही रहता प्रशासन चूस दुरुस्त रहता सर। क्या 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 सर, अब जिंदगी नॉर्मल हो रहा है अब, लेकिन 144 धारा लगा हुआ है, इधर थोड़ा सा घूम जाइए। ये सर पहले ये एहतियात ये पहले बरता जाता तो ऐसा घटना हो ही नहीं सकता था। प्रशासन को पता है, सरकार को पता है कि वहाँ पे ही दंगा शुरू होता है, तो वहाँ पे पहले से अगर व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो कि अब किया गया। यही चीज़ पहले सरकार को पता होने के बावजूद भी नहीं किया गया। हम लोग घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि पुलिस जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बताइए आप, तो होगा ही, छत पे पहले से पत्थर जमा किया जा रहा है, बताइए। अब पब्लिक ऐसे भी हम लोग अब जिंदगी है वो नॉर्मल, अब नॉर्मल हो रहा है, अब तो नॉर्मल हो रहा है। इधर ई एरिया में सर नॉर्मल ही रहेगा, ई एरिया में किसी से पूछ लीजिए, हमेशा नॉर्मल रहेगा। लेकिन इस रोड में जब बढ़िएगा, इस रोड में तो उसमें संभावना है, पे टेंस है, जहां तनाव है। हाँ, जहां तनाव का अगर त्योहार आता है तो कभी देख सकते हैं किस तरीके से जो बातें सामने आ रही है, दुकानें वगैरह है वो खुल रही है। देखिए सब्जी की जो खास डिमांड बढ़ जाती है, चूँकि पिछले 3 दिनों से बिहार शरीफ में धारा 144 लागू है और जो लोग हैं खाने पीने वाले वो काफ़ी परेशान हैं। आज तीसरा दिन निकले हैं या पहले भी बेच रहे थे? इस साइड सर बेच रहे थे। कैसा बिक्री है? बिक्री नहीं है उतना, नहीं है ना? नहीं। कैसे जिंदगी चलेगी? ये तो भाई सरकारी प्रशासन भी नहीं थी इतना, इसलिए ऐसा हुआ, प्रशासन भी नहीं था। तो देख सकते हैं सब्जियों की काफ़ी कलिए डिमांड है, मांग है, देख सकते हैं आप जो ठेला रिक्शा लगा कर जो सब्जी बेच रहे हैं। दरअसल यह जो बिहार शरीफ है वो सब्जी उपजाने को लेकर के नालंदा में सब्जियां काफ़ी होती है, सब्जी का बहुत बड़ा बाजार है। भैया दुकान लगा रहे हैं, सेल कैसा रहा है, कैसा बिक्री है? मोटी ठीक है, पुलिस प्रशासन भगा नहीं रही है? ये देखिए उनको कानून है सर, जरिमाना इन्हें उन्हें करने कहवे करेंगे। अच्छा, इन्हें उन्हें करने कहेंगे, तो जिंदगी है वो सामान्य हो रही है। धारा 144 का आज तीसरा दिन है, आज शाम तक यह है लागू है। यदि हिंसा नहीं होते, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती है, तो एक उम्मीद की जानी चाहिए कि 144 धारा है वो आगे एक्सटेंड ना हो। कैमरामैन अभिषेक के साथ नवजीत, जी मीडिया, बिहार शरीफ।